वालेकुम, मैं साइरस सत्तानी खुशी खुशी पहले तो आपको न्यूज देना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगा और स्पेशल कुकिंग फिश जो लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि आपका फिश बहुत एकदम टेस्टी रहता है, तो ये महाराष्ट्र स्टाइल में बनाने वाली हूँ और महाराष्ट्र में बांगड़ा फिश फेमस। सबसे पहले तो मैं ये अक्खी वाली फिश इसको फ्राई करने के लिए इसको आप क्लीन करके कट कर लीजिए। अभी मैंने इसको नमक से क्लीन करी हूँ, इसके बाद में आप मैं कोकम बताऊंगी आपको, कोकम ऐड करना, उससे क्या इसकी स्मेल चली जाएगी। और दूसरा ये वाले हैं पीसेस, ये इसकी ग्रेवी बनेगी और ग्रेवी का मसाला ये होगा। ये अभी तो अक्खे हैं, मैं आपको पेस्ट बताऊंगी बाद में। तो आप देख सकते हो कच्चा नारियल और ये मेरी फीकी मिर्ची, आप चाहो तो तीखी ले सकते हो, और देसी टमाटो और प्याज, ये इतना है। इसके बाद में मैंने आपको याद होगा जब मैं अजमेर से आई थी तो आपको एक हिंग बताया था कि मैं एक खट्टी चीज़ लाई हूँ, जब भी मैं बांगड़ा मसाला बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो आज इसका बारी आ गई, ये है कच्ची कैरी मसाले में लपटी हुई सूखी हुई, बहुत खट्टी रहती है और ये स्पेशल अजमेर में मिलती है। तो आज मैं ये इसमें ऐड करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। और एक बात, मैंने कभी आपको फ्रेंड्स नहीं बोला है, आप मेरी फैमिली हो तो मैं अपनी फैमिली के लिए जो बनाती हूँ वही आपको प्रेजेंट करती हूँ। तो मेरी फैमिली के लिए आज बना रही हूँ, बस ये तकलीफ है कि मैं आपके पास नहीं आ सकती, तो मेरे तरफ से आपके लिए ये भेजती हूँ। तो चलो अब इसको मैं मसाला सब पीस के इसका मैं ग्रेवी बनाती हूँ और उसके बाद में आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसा करना है। देखो मैंने फिश तो सारे नमक से क्लीन की हूँ, बट इसकी स्पेशलिटी ये होती है, आप कोई भी फिश में ऐड कर सकते हो। ये है कोकम, आप इसको इसमें दरदरा ये मैंने थोड़े से किए हैं और थोड़ा आपको बता देती हूँ। और अगर ये नहीं होगा तो आप मिक्सी में भी इसको दरदरा कर सकते हो और इसको लिक्विड फॉर्म में आप कर लीजिए ऐसे, और थोड़ा सा इसमें फिश में इसमें, तो इससे क्या होगा फिश कड़क होगी और इसकी जो भी स्मेल होगी वो चली जाएगी। कोई भी फिश को आप इस तरीके से क्लीन करिए तो आपको ये बहुत अच्छा होगा, ये मेरी तरफ से स्पेशल टिप है आप लोगों के लिए। बस अब ये इसको मैं मैरिनेट करके हार्डली 10-15 मिनट्स रख लूँगी जब तक मेरे मसाले रेडी होते हैं। ये आप देख सकते हो इसकी बस इसमें खटास इसमें ऐड होनी चाहिए, तो वो उसकी सारी चीज़ें हो। और उसके अंदर आप कभी विनीगर मत यूज़ करना, काफ़ी लोग विनीगर यूज़ करते हैं तो उससे खटास तो लगती है पर उसकी सारी टेस्ट चला जाता है। और ये नेचुरल चीज़ है, ये तो मछली की जान होती है कोकम, तो ये आपको टेस्ट देगा। चलो ये मेरे हो गए कोकम से मैरिनेट, अब मैं जब तक मसाला रेडी करूँगी तब तक ये कोकम इसमें लगा रहेगा और इसकी स्मेल गायब। आपको नारियल दिखाए थे मैंने, तो देखो इसके मैंने छोटे छोटे पीस किए इसको पेस्ट बनाने के लिए। इसी के साथ में आप ये हल्दी पाउडर, आपके पास जितना क्वांटिटी रहेगा फिश का आप वो हिसाब से मसाला ऐड कर सकते हो, मैं सिर्फ बता रही हूँ जो मेरे पास है उतना मैं बता। और ये लाल मिर्ची पाउडर है, आपको पता है कि मैं तीखा नहीं खाती हूँ, तो आप चाहो तो तीखा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तीखा नहीं खाती हूँ आप सबको पता है। बस ये होगा, अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, पहला पेस्ट कर रही हूँ, दूसरा पेस्ट आपको बताती हूँ मैं। पहले तो आप विदाउट पानी का इसका पेस्ट कीजिए, आप देख सकते हो ये दरदरा हो चुका है। अब इसके अंदर आप जितना पानी चाहो उतना पानी आप डाल के इसका पेस्ट बना सकते हो, इजीली आपका ये मसाला बनेगा, नहीं तो अगर पहले ही आप पानी डालोगे तो पानी फोल्ड होता है। आप देख सकते हो अभी और बाकी है, ये तो अभी थोड़ा सा हुआ है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कीजिए। एकदम फाइन पेस्ट, नारियल, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये एक पेस्ट तैयार हुआ है मेरा मसाले का। अब दूसरा ये तैयारी चालू है, ये गाउटी टमाटर है। अगर आप बांगड़ा बनाते हो या कोई भी फिश बनाते हो तो आप मोस्टली खट्टे वाले टमाटर लीजिए तो उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो अब मैं ये वाला पेस्ट बना रही हूँ टमेटो का, और थोड़ा थोड़ा करके पीसिए ताकि वो ऊपर नहीं आवे। चलो इंशाल्लाह मैं अभी ये दो टमेटो पीस रही हूँ, पर मैं पीसने वाली हूँ ज़्यादा। और ये मैं ग्रेवी नहीं बनाने वाली हूँ, ये मसाला बांगड़ा मसाला बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दरदरा भी चलेगा। जिस दिन आप ग्रेवी बनाओगे तो उस दिन आप नारियल का दूध निकाल कर ऐड कीजिए, नारियल के दूध में ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, बट बांगड़ा मसाला ही ज़्यादा टेस्ट होता है।
पॉम्पलेट, जब आप पॉम्पलेट कढ़ी बनाओगे तो उसके लिए स्पेशली आप नारियल का दूध बनाइए। और जो रेडीमेड मिलता है वो तो मिलता है, बड़े अगर आप एक नारियल का दूध निकालते हो तो आपको चीप भी पड़ेगा और अच्छा भी टेस्ट आएगा रियल वाला। ये देखिए, ये एकदम एकदम से मतलब बारीक हो गया है। और नारियल के दूध का इसलिए बता रही थी क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, तो मैं अपने घर के लिए जैसा सोचती हूँ कि थोड़े में गुजारा हो, थोड़े में ख़त्म हो, तो इसीलिए मैं अपनी फैमिली को यही चाहती हूँ कि थोड़े में सब कुछ पूरा हो। और आप पसंद भी इसीलिए करते हो कि जो चीज़ हमारे घर में अवेलेबल होती है वही चीज़ से मैं कुकिंग करती हूँ, कोई स्पेशल चीज़ लाती नहीं हूँ, और इसीलिए मैं आपको हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के टिप देते रहती हूँ इंशाल्लाह। चलो अब ये हो गया। अब मेरा दूसरा ये बघारने के लिए प्याज को चॉप करना है मुझे अब। और फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि आप जो इतनी मोहब्बत करते हो, जो मुझे इतना पसंद करते हो, तो शुक्रिया दिल से। अपनों के लिए तो शुक्रिया होता नहीं है, पर मैं फिर भी चाहूँगी कि मैं दिल से आपके लिए शुक्रिया बोलूँ, क्योंकि इतना अनजाने लोगों को कोई प्यार नहीं देता है। और जब हम अपनी फैमिली के लिए मोहब्बत से कोई चीज़ बनाते हैं तो कोई स्पेशल नहीं होती है, स्पेशल उसमें बन जाता बिकॉज हमारी मोहब्बत उसके अंदर शामिल हो जाती है, बराबर। चलो अब मैं ये इसको ये चॉप कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास लक्ष्मी है, आपको पता है कि लक्ष्मी मेरे पास काम करती है, पर मुझे मेरे फैमिली के लिए कुकिंग खुद करना बहुत पसंद है। अब मैं अपनी मोहब्बत में दूसरों को शामिल होने नहीं दूँ। हो गया चॉपिंग, अब इसको बघार में जाएगा। और ये फीकी वाली हरी मिर्च है, आप चाहो तो तीखी लो, अगर तीखी डालोगे तो डबल ट्रिपल उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, बट मैं फीके में ही टेस्ट देती हूँ। हमारे मसाले रेडी, अब इसमें मेन जान जो लगती है वैसे तो सबके घर में ये पेस्ट रेडी होता है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बनाइए, ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए। जो घर गृहस्थी लेडीज़ होती है, जो हाउसवाइफ होती है, जो बिजनेस वाली होती है या जो जॉब वाली, वो इजी काम ढूंढती है, तो ये इजी काम है अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा कैरी करना, तो मैं भी यही चीज़ करती हूँ। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं घर में रेडी करती हूँ, मुझे ऐसे तो बाहर रेडी मिलता है बट वो मज़ा नहीं आता, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के घर में कैरी करती हूँ। ये है, अब हमारे मसाले ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हो ये हमारे मसाले हैं। अब बघार के लिए मैं अब रखूँगी कढ़ाई और उसमें डालूँगी ऑयल और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलो अब ये मैंने कढ़ाई रख दी, इसका पानी सूखने दीजिए। चाहे कितने भी अच्छी तरीके का खाना बने पर अमीन भाई तो डाइट पे है, तो उसका सिर्फ चिकन बॉयल ही होने वाला है, ये वही खाने वाला है, तो ये अमीन भाई का मतलब मेरे गोलू। चलो ये अमीन के लिए चिकन बॉईल हो रहा है और ये सब हमारी फैमिली के लिए बन रहा है, आपके लिए, मेरे लिए, अयूब के लिए और मेरे भाई के लिए। और इसमें चलो मैं अब ऑयल डाल रही हूँ। बांगड़ा मसाले में आप ऑयल ज्यादा डालिए, ऑयल में ही मसाला भूनिए तो ज्यादा टेस्ट आएगा। सब मसाले तो दिखा दिए, अब जिस चीज़ के लिए स्पेशल आज बांगड़ा मसाला बन रहा है वो है ग्रेवी। तो अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। आप इसको मसाले भूनते समय ही ऐड कीजिए बिकॉज इसके अंदर नमक बहुत रहता है, अगर आप बाद में डालोगे तो नमक का कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, तो आप इसको साथ में डालिए। भूनते वक्त इसका ये जो टेस्ट है, टेस्ट भी आएगा, आप देख सकते हो नमक बहुत है इसके अंदर, देखिए नमक बहुत है इसके अंदर, अगर आप बाद में डालोगे तो नमक अप डाउन हो सकता है, तो इसीलिए आप इसके साथ ही डालिए, नमक भी मिक्स हो जाएगा और जो खटास है मेन वो भी हो जाएगी। ये आज के बांगड़ा मसाले का स्पेशल जान ये कैरी है मसाले वाली, और ये आई गई है मेरे सरकार के यहाँ से, मतलब अजमेर से। देखो ऑयल मैंने रखी थी, ऑयल बहुत सारा है, ऑयल में ही मसाला भूनना है मुझे, तो मैंगलोरी हूँ तो स्पेशल मैंगलोरी चीज़ तो ऐड करूँगी। ये है राई, आवाज़ आई, ये स्पेशल होती है आवाज़ आना। और ये चॉप की हुई प्याज है, आप डाल दीजिए, इसका मतलब आवाज़ आने का मतलब होता है कि तेल गर्म हो गया है। और हमेशा कभी भी आप मसाला भूनने के लिए तेल रखो,
गरम में ही डालना, ठंडे तेल में मत डालना, तो उसका टेस्ट भी दुगना होता है और ऑयल की जो कच्चापन होता है स्मेल वो चला जाता है। तो लाल चाहिए ना तो पिंक चाहिए, थोड़ा सा उसमें गल जाना चाहिए। और इसके लिए एक टिप और देती हूँ आपको कि अगर इसके साथ आप नमक ऐड करो तो प्याज जल्दी भी गलती है और फटाफट काम होता है। हम लोग बिरयानी के लिए जब प्याज लंबी लंबी लाल करते हैं तो आप कभी भी उसके अंदर कांदा डालकर, सॉरी नमक डालकर करिए, तो आपको वो जल्दी भी होगा और आपका टाइम भी बचेगा और कुरकुरे बनेंगे, बहुत कुरकुरा बनता है। और आपको ये एक साथ सारे मसाले डालने हैं इसके अंदर, आप देख रहे हो मैं अभी प्याज इसमें डाल चुकी हूँ, नमक भी डाली हूँ, तो आधी इसको 5-7 मिनट तो लगेंगे, तो इतना टाइम क्यों हम लोग वेस्ट करें अपना, जो फ्राई वाला है तब तक इसको मैरिनेट कर लेते हैं ना। आप ये कोकम और नमक लगी हुई डिश है, इसको आप क्लीन कर लीजिए। ये आप देख सकते हो कोकम लगी हुई डिश, इसको मैंने क्लीन कर ली हूँ और छन्नी में रखी है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और एक बड़ा बाउल लीजिए आप, इसके अंदर जो मसाले लगाने हैं आप रेडी कीजिए। आप सबसे पहला तो इसमें रहेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लीजिए, और टर्मेरिक पाउडर हमारा रहेगा, हल्दी पाउडर, ये लीजिए मिर्ची पाउडर, और इसमें नमक, और इसकी भी एक स्पेशल चीज बताती हूँ, सब तो अलग बनाते हैं, मैं थोड़ा अलग। ये आप देखते हो ये चाइनीज पकोड़ा जो आजकल बहुत खाते हैं ना, ये चाइनीज पकोड़ा, ये तो आपको बाजार में रेडीमेड अवेलेबल है, तो आप इसका एक चम्मच ऐड कीजिए, ज्यादा मत करना, ज्यादा करके ये चिकन फ्राई में बहुत टेस्ट लगता है, तो मैं कुछ थोड़ा अलग करने की कोशिश करते रहती हूँ हमेशा, तो आप इसको थोड़ा सा कीजिए। इसके करने का मतलब ये है कि ये है ना पूरा फिश को कोट कर लेगा मसाला, ये देखिए, देखिए आपने जी, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने पूरा मसाला रेडी की हूँ। अब आप इसको फिश को ले लीजिए, ऐसे फिश को लगाइए, जो कट्स है इसमें आप बराबर से इसको लगाइए, तो टेस्ट आपको बहुत अच्छा देगा। और बहुत दिल से मैं फिश की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहाँ कहीं भी, चाहे अजमेर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे गुजरात हो, सूरत हो, तो लोग मेरी फिश वाली जो कुकिंग है वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि स्पेशल आपने जो फिश बनाई थी वो बहुत अच्छी है। तो मैं फिर बहुत दिल से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पेश करूँ। ये देखिए आप इसको मैरिनेट करके रख लीजिए, और जितना देर आप रखोगे उतना देर इसमें टेस्ट ऐड होती जाएगा। इसकी आपको तो पता है मुस्लिम लोग तो खाने के इतने क्रेज है, तो उनको तो खाना बनाने की बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट मेरी नसीब कि आप लोग मेरा कुकिंग इतना पसंद करते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को स्पेशल बनाने की। हालांकि ये कुछ स्पेशल नहीं है, यह हर घर में बनता है ये चीज़, लेकिन बस आपकी मोहब्बत है जो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको अच्छे से अच्छे आपको प्रेजेंट करूँ। ठीक है, चलो अब ये हो गया, चलो हम लोग अब हमारी प्याज देखते हैं। ले मो, देखिए मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मुझे प्याज ना लाल चाहिए ना पिंक चाहिए, सिर्फ जो उसके अंदर पानी होता है वो सूखा हुआ चाहिए। तो आप ये देख सकते हो, खास करके आप देख सकते हो पिंक भी हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउन भी हुआ है, और पानी कहीं पे भी नहीं है प्याज में, ये चीज़ है। ठीक है, अभी आप इसके अंदर सबसे पहले
अदरक लहसुन का मसाला ऐड कीजिए, क्योंकि अदरक लहसुन में जो स्मेल होती है बहुत पावरफुल होती है, और अगर वो उसकी स्मेल नहीं गई तो खाने का सारा मज़ा बिगाड़ देती है। तो ये पहले ज़रूरी है कि आप इसको भूनिए। लास्ट टाइम मैंने कच्चे मसाले वाली फिश भी डाली थी, आपको बहुत पसंद आई थी, तो लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा आप भूनिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत तेज स्मेल रहती है। चलो ये आप हार्डली 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स तो इसको आप भूनना ज़रूर। चलो आप देख सकते हो मैंने आपको बोली थी कि 5 मिनट भूनना है। 5 मिनट भूनने को क्यों बोली, आप खुद मसाला देख सकते हो, ये देखिए इसके अंदर का पूरा जो कच्चापन चला गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है ये। अब इसके साथ में ये जो मसाला है पूरा पेस्ट है, आप देख सकते हो पूरे वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस है, तो आप ये साथ में ऐड कीजिए। और हमको लिक्विड तो चाहिए ही नहीं, बस वही जो हम जो जिस चीज़ में मसाले रेडी किए हैं उसको थोड़ा सा धो के बस उतना ही पानी आपको ऐड करना है इसके अंदर। ये आपको काफ़ी टाइम लगेगा, भूनने के बाद में आपका इसके इसका रंग रूप थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ आपको मैं। अभी ये अपना मतलब चेहरे पे आने के लिए स्टार्ट हुआ है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, मैं आपके सामने ही मसाला भून कर गई थी, अब देखते कितना कितना हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अब तो ये ऑयल छोड़ने लगा है मसाला, ये आप देख सकते हो। और मसाले का कलर देखो चेंज हो गया है ना। बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं पता है, खाना ऐसा होना चाहिए कि नहीं खाने वाले का भी दिल देखकर होना चाहिए कि ये आओ एक लुकमा तो खा ही ले हम लोग। तो अब कलर चेंज होने लगा है, ऑयल छूटने लगा है, एक थोड़ा सा और इसको भूनने दीजिए, ऑयल पूरा छूट जाएगा। उसके बाद में अब तक मेरी फिश में कोकम लगी हुई है, फिर इसको मैं अब धो के रखती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके अंदर फिश ऐड करते हैं, ठीक है। चलो मुझे तो खुशबू आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मसाला रेडी हो चुका है, तो माशाल्लाह हो ही चुका है। ये देखिए ये ज़रूरी होता है, इसका मतलब होता है कि मसाला रेडी होने को एकदम परफेक्ट। ये देखिए साइड से आप देख सकते हो ऑयल, जब आप मसाला मिक्स करोगे ये देखिए। और मैं थोड़ा टेस्ट करके देखना चाहूँगी नमक के लिए, बता नहीं सकती आपको कैसा टेस्ट बना, बहुत मस्त एकदम। देखो अब ये पूरा रेडी हो चुका है। मैंने आपको क्या बताई थी कि पानी सिर्फ वो ऐड करना जो हम मसाले रेडी करें, तो ये अब रेडी हो गया है मसाला। इतना पानी आप ऐड कीजिए, क्योंकि हमारा बन रहा है ये मसाला नॉट ग्रेवी। और इसके बाद इसमें आप फिश छोड़ सकते हो, ये बिस्मिल्लाह। आप हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसाले को, स्टार्टिंग में आप इसको मिक्स कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप नहीं कर पाओगे इसको। बस ये आपका बांगड़ा फिश मसाला रेडी है। अब आपको ये गैस मैंने स्लो कर दिए, ये इसको स्टीम में रखें, आप 7 से 8 मिनट इसको स्टीम में रहने दीजिए। आपका बांगड़ा फिश मसाला रेडी, और मैंगलोरी स्टाइल और अजमेर की खटाई के साथ। आज हमारा लंच पता है ना फिश है, तो फिश के साथ में क्या अच्छा लगेगा, कोमड़ी वड़ा। ये उसका आटा है, तो मैं अभी ये कोमड़ी वड़ा और स्टीम राइस, बांगड़ा फ्राई और बांगड़ा मसाला, आज हमारा ये सारा टेबल लगने वाला। इंशाल्लाह आपको टेबल तो दिखाऊंगी जरूर, ठीक है। ये जो मैंने कोमड़ी वड़ा बताई ना, ये तो स्पेशल महाराष्ट्र वालों को तो पता है ये क्या होता है, बट दूसरे अदर देश में शायद ये नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ये 7 तरह की
ज्वार, चावल, बाजरा, मकई और चने की दाल, ये सबको लेके पीस कर इसका आटा बनता है सात तरीके की धातु से। और उसके बाद में ये कोमड़ी वड़ा रेडी होता है, और ये फिश में और चिकन करी पतली वाली, उसके साथ तो लाल जवाब लगता है। तो देखो ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज लक्ष्मी मेरी रोटी बनाती है, तो आज मैं रोटी बनाने मना कर दी हूँ, बिकॉज आज मैं पूरा लंच महाराष्ट्रीयन फिश वाली बना रही हूँ। तो तड़का भी उसी चीज़ का होना चाहिए ना। देखिए आप इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा सा है ना इसको नरम रखना, क्योंकि इसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। भाकरी टाइप कोई बनाते पर वैसे नहीं होता है, आप ऐसे रेडी करने के बाद जब ऐसे गोले बनाओगे तो इसको आपको ऑयल में लेके ऐसे बनाना है, और इसमें यहाँ से एक ऐसे करके फिर आपको उसका डीप फ्राई करना है। तो मैं आपको आगे का प्रोसेस पूरा बताऊँगी इसके साथ में। और आप देख सकते हो कि आटा थोड़ा नरम है, मैं और नरम करूँगी इसको, क्योंकि इसको जो बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो देखो मैं ये मिक्स करके पानी रख रही हूँ, पर मैं तरीका आपको बता रही हूँ कि देखिए आप जब मिक्स होगा गोल होगा ना, आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के जितना हो सके आप ये ऐसे, और इसके अंदर आप एक ऐसे तरीके से ऐसे होके फिर इसको डीप फ्राई में होता है, और उसके साथ में बांगड़ा मसाला खाया जाता है, लाजवाब। देखो मैंने भी आपके सामने पानी ऐड की थी, तो देखिए आप ये कितना नरम हो गया है। और इसमें अच्छा टेस्ट और नरमी देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लीजिए। ऑयल मिक्स करने से क्या होगा, आपके हाथ पे स्टिकी नहीं होगा और बनाने में इजी पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा बात होती है कि पेस्ट की टेस्ट देगा आपको ये। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसमें ऑयल ऐड किए, आटा देखो बिल्कुल भी बर्तन को नहीं लग रहा है, तो इसी तरीके से हमारे हाथ पे भी नहीं लगेगा। ओके देखो ये कोमड़ी वड़े का आटा जो रेडी है, आप इसमें कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए घर पे, और आप इसमें ऐसे ऑयल लगाइए, ऑयल लगा के रेडी कीजिए, और फिर एक ये देखिए ऐसे दो गोले बना लीजिए, और इसको आप यहाँ रखिए। आपके हाथ से ही, हल्के हाथ से, जितना भी आपको बड़ा चाहिए, ज़्यादा करके आप छोटा ही करना, वो मज़ा आएगा। और ऑयल लगाने से क्या होता है, इजी हो जाता है काम। देखिए आप कितना इजीली काम हो रहा है हमारा। चलो अब इसके साथ साथ यहाँ पे ऑयल रख चुकी हूँ मैं, और ये मेरा फिश फ्राई करना है, तो मैंने फ्राई पैन नॉनस्टिक वाला लिया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ, तो इसीलिए ऑयल कम लगना चाहिए, इसीलिए मैं नॉनस्टिक, आप पूरी भी देख सकते हो क्योंकि इसमें ऑयल कम पकड़ता है नॉनस्टिक में। तो आप ये पहली पूरी में डालनी, आप जब ये रेडी कर लोगे, तो मेरे नाखून है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आप है इजीली आप इसको ऐसे, ये आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। ये आप ज़्यादा मत, दो इनफ होगा इसका। और देखिए ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो इसी के साथ साथ मैं इसके साथ में यहाँ पे फिश भी रखना चाहूँगी। अरे में रखिए एक, अगर मुंडी यहाँ है तो एक मुंडी यहाँ रखिए, तो उसको जगह मिलेगी और बहुत अच्छे से रेडी होगा। और देखिए देखिए इसी के साथ साथ कोमड़ी वड़ा भी रेडी हो चुका है, आप इसको पलट लीजिए, एक साथ आपका दोनों काम होगा। फिश लेकिन एकदम कड़क करना, उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और इसको कोमड़ी वड़े को कड़क होने मत दीजिए, ये थोड़ा सॉफ्ट ही रखिए, बट लाल ऐसे लाल होना चाहिए। ये आपको अभी ऐसे लगेगा ये क्रंची है, बट खाते समय ये आपको बहुत टेस्ट भी देगा और सॉफ्टनेस भी होगा, क्रंची भी होगा। देखिए मैंने ऑलरेडी दूसरा भी रेडी कर रखी थी, बहुत केयरफुली करना ये काम। और जो बच्चे नए कुकिंग में हैं और मेरा वीडियो पसंद करके कुकिंग करने की कोशिश करते हैं,
तो प्लीज बहुत केयर करके करना ये चीज ऑयल में जब आप ये छोड़ोगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी फिश, आपको अगर फिश तोड़ना नहीं है तो आप ये दो चीज यूज कीजिए तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए आप देखो कितने इजीली हो गया ये काम। आप फिश की शक्ल देखिए अभी, और इसी के साथ हमारे दूसरे कोमड़ी वड़े भी रेडी हो गए हैं। और मैं जो बात हमेशा बोलती हूँ कि सॉरी, मैं आपको यहीं से बुला सकती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह जब भी मौका देगा आपसे मिलूंगी तो कोशिश करूंगी कि आपके साथ भी कोई चीज़ शेयर कर लूँ पर्सनली, बट अभी तो मैं आपके लिए जो भी कर सकती हूँ यहीं से कर सकती हूँ। और यहीं से आप मुझे बहुत पसंद करके मुझे रिस्पेक्ट देते हो, तो अगेन थैंक यू सो मच। चलो अभी यहाँ फिश भी फ्राई हो गई है मोस्टली, और ये देखिए आप कोमड़ी वड़े भी हमारे रेडी हो गए, और मेन हमारा बांगड़ा मसाला फाइनली इसका रूप है ये। मैं कोशिश करती हूँ आपको थोड़ा सा दिखाने की, ये देखिए ये हो गया है। ठीक है, अब मैं दस्तरखान जब पूरा सजाऊंगी तो फाइनली आपको पूरे रूप दिखाऊंगी कि आज का हमारा लंच क्या है। चलो फाइनली मेरा टेबल सज चुका है, आज का मेरा लंच आप लोगों को दिखाना चाहूंगी क्योंकि मैंने बहुत दिल से लंच बनाई हूँ मेरी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली मतलब आप हो मेरी फैमिली। तो देखो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ, ये है बांगड़ा मसाला जो मैं आपको बता रही थी, और कोमड़ी वड़ा, और स्टीम राइस, और बांगड़ा फ्राई, ये है बांगड़ा फ्राई। स्पेशल आज क्या है पता है, सायरा सतानी के टेबल पे कभी तीखी चीज़ कुछ दिखती नहीं है, तो आप आज देख सकते हैं ये तीखी नहीं है बट टेस्टी है। आज मैं ये लगाई हूँ और इंशाल्लाह अभी मैं बैठी हूँ, सब खाना निकाली हूँ खाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं कभी नहीं बोलती पर अब बोलूँगी क्योंकि आप मेरी फैमिली, ये मेरा हक है। तो आपको ये अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके दिल में कोई अगर ख्वाहिश है कि ये हमारी रेसिपी ये सायरा सत्तानी इसको प्रेजेंट करे तो मोस्ट वेलकम। आप चाहो तो भेज सकते हो ईमेल पे, या मेरा मोस्टली मैसेज बॉक्स बंद रहता है तो इंशाल्लाह आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो आपकी जो भी रेसिपी हो। तो मैं जो अगर मुझे कोई भी रेसिपी उसमें से पसंद आए तो इंशाल्लाह आपके नाम के साथ में मैं वो रेसिपी बनाऊँगी और टैग करूँगी। और अगेन आपका थैंक यू, आप सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, और मुझे आगे बढ़ने के लिए आपकी जो भी दिली ख्वाहिश है वो मदद कीजिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बनने का जो रिजल्ट है वो तो अंदर से ही पता चलेगा आपको। इसको ओपन करके दिखाना चाहूँगी कि शक्ल अच्छी होने से काम नहीं होता, उसकी अंदर भी बाहर भी सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आप इसको फिश को देख सकते हो, बिल्कुल सॉफ्टी और जूसी और ऊपर से क्रंची। तो मैं टेस्ट करना चाहूँगी, मुझे तो मेरे हाथ का टेस्ट पता है बट आपके लिए। यम्मी यम्मी बांगड़ा फ्राई, टू गुड। और आप थोड़ा सा मिर्ची ऐड करोगे तो ज़्यादा टेस्ट लगेगा। और ये मेरा मेरी प्लेट बना रही हूँ सबसे पहले, तो ये मेरा एक कोमड़ी वड़ा, और देखो बांगड़ा मसाले के आज इसमें भी मिर्ची है बट फीकी वाली। चलो मैं अभी इसको टेस्ट करके बताती हूँ, ये मुझे तो पता है मेरा टेस्ट कैसा है, बट आप ज़रूर कोशिश करना ये चीज़ को देख करके ऐसे बनाए और फिर टेस्ट कैसे लगे मुझे पर्सनली आप मैसेज करना। अच्छा लगे तो भी मैसेज करना, नहीं अच्छा लगे तो मैसेज करना, कुछ कमी है तो भी बताना, मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कि वो कमी को पूरा कर सकूँ। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी।